डीएम सर, हमारा भी स्कूल बनवा दे, हम भी कमरे में बैठकर पढ़ना चाहते हैं। यह कहना है पश्चिम चंपारण के प्लस टू उच्च माध्यमिक विद्यालय भभटा के बच्चियों का, जो भवन के अभाव में पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर और परेशान है। विद्यालय में 7 कमरे, 2 प्लस 2 और 2 में चलता है स्मार्ट क्लास। नरकटियागंज प्रखंड के भभटा पंचायत स्थित प्लस टू माध्यमिक विद्यालय के बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। पेड़ के पास ही शिक्षक कुर्सी लगाकर ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कहने को तो इस स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा विभाग ने दे दिया, लेकिन सुविधा नहीं दी और खामियाजा यहाँ पढ़ने वाले नामांकित बच्चे और बच्चियाँ उठाते ही हैं, लेकिन साथ में शिक्षक भी परेशान रहते हैं। में पढ़ रहे हैं, एक टहनी है, 2 क्लास में बांट रहा है, क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, विद्यालय में ये कुछ विद्यालय हो गया है, कौन की समस्या है, जगह भी नहीं है। बहुत प्रयास मैंने किया गाँव में कि ये कहीं जगह मिल जाए ताकि भवन के लिए विभाग से आदेश दिया जाए, मांगा जाए, विभाग को सूचित भी किया गया है और आम सभा की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें ये जो आप अधूरा 2 भवन देख रहे हैं, ये स्पेस नहीं है कि इसको तोड़वा करके पास करा करके तोड़वा ले और विभाग से अनुमोदन ले इसको तोड़वाने के लिए, यहाँ से पास हो जाए तो। और इस पर हम 2 रूम का आश्वासन मिला है हमको कि विभाग द्वारा भी बनवा दिया जाएगा, फिर आगे चल करके उस पर भी 2 का 2 कर दिया जाएगा। हमको जे हिसाब का मतलब आश्वासन मिला है, सही में बच्चे की संख्या देखिए कि हाई स्कूल होते हुए भी 7 कक्षा है। मेरा ऑफिस देख लीजिए कैसा है, ये इसी तरह गिर कर बनाया गया कहिए, इसमें 4 अलमीरे भी नहीं हटते हैं, 2 बाहर रखा जाता है। स्मार्ट क्लास देख लीजिए कि 2 क्लास को हम लोग हाई स्कूल के लिए छोड़े हैं, 7 में से 5 क्लास बच रहे हैं, 5 क्लास में से सर 3 क्लास के बच्चे को हम कहाँ बैठाएंगे, 1 क्लास के बच्चे को बरामदे में बैठाए हैं, 2 क्लास के बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर बैठ कर पढ़ते हैं, पढ़ाना तो है ही। कितने बच्चे हैं सर? सर यहाँ पर 753 मिडिल सेक्शन में नामांकन है और लगभग 600 उपस्थिति, औसतन 600 उपस्थिति होती है, कभी 568, कभी 70, कभी कल 604 थी। अब आज का अभी सूची नहीं आया है, जैसे मतलब पदपत्र बोर्ड पर आ जाएगा। रूम सर 7 है, 4 3x3 का एक सामने दिख रहा है, एक ये स्मार्ट क्लास है, इसी में घेर करके ऑफिस बना लिए। चलिए, तो रूम में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं जी? अभी देखिए कि 6 क्लास में 146 बच्चे हैं, जो क्लास भर जाने के बाद बाहर है। हम सेक्शन भी बांट नहीं पा रहे हैं कि जब फिर वो बच्चा बाहर में जाकर पढ़ेगा। टीचर है मेरे पास, उपलब्ध है, मतलब मिडिल सेक्शन में टीचर है, हाई सेक्शन में जो प्लस टू में जो टीचर है वो पूरा सफिशियंट नहीं है सब्जेक्ट वाइज, लेकिन फिर भी हैं। और मिडिल सेक्शन में मेरा सफिशियंट शिक्षक है, एक संस्कृत का टीचर छोड़ दिया जाए तो सफिशियंट शिक्षक है, और 26 हमको लेकर 26 टीचर है। तो अब पढ़ाना है, लेकिन थोड़ी सी समस्या, अगर बारिश आ जाती है तो मेरे साथ और समस्या। देखिए अभी मौसम कैसा है, अब इस वक्त हम क्या करेंगे, फिर इस बरामदा में बैठाएंगे, या कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो घर भी चले जाते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं लग रहा है कि जो कहाँ बैठाएं, ऑफिस में भी बैठाना शुरू कर देते हैं। कुछ बड़ी बच्चों का मूल्यांकन हो रहा है, वो भी हो रहा है जी। उसमें एक कारण है कि जो मूल्यांकन के लिए एक तो स्पेस तो ही है कारण, दूसरा कारण ये है कि हम इन लोगों से कहें कि मूल्यांकन ऐसा कीजिए कि बच्चे नज़दीक में नहीं बैठे, थोड़ा अलग बैठे, ताकि हमको पता चल सके कि देख कर तो नहीं किया है ना। इस हिसाब से वो बागीचे में लगे, क्लास में लेते एक बेंच पर 4-4 बच्चे बैठे हैं तो थोड़ा सा चीटिंग की मतलब संभावना बन जाती थी, इसीलिए हम कहें कि अलग बैठा कर दीजिए कि पूरा सही डिटेल मिले हमको। विभाग को लिखे हैं इसके बारे में? जी, विभाग को हम लिखे हैं और आश्वासन भी मिला है, और उम्मीद है कि ये विभाग हम पर विचार करेंगे, और यही से बात भी हुई है। नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन भट्टा है और मैं इसी स्कूल का पढ़ा हुआ छात्र हूँ। बोरा पर बैठ कर के सर, हमको 5-6 साल की अवधि मिली है यहाँ पर। पारिवारिक शिक्षक है? नहीं, मतलब मैं पूर्णकालिक हेडमास्टर हूँ, 2000 बैच का हूँ और पूर्णकालिक हेडमास्टर हूँ। मैं 5 साल में चाहता हूँ कि इस गांव को, स्कूल को ऐसा बना दूँ कि 5 साल के बाद मैं ही इस गांव से गुजरूँ। विद्यालय का क्या नाम है?
विद्यालय का नाम है प्लस टू उच्च माध्यमिक विद्यालय भवटा। इस विद्यालय के दो दो क्लासेस प्रतिदिन इसी पेड़ के नीचे चलते हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए शिक्षक पेड़ की टहनियों को दो क्लास में बांटकर पठन पाठन का कार्य करते हैं। पेड़ की एक टहनी को चौथी कक्षा बना दिया गया और दूसरी टहनी को छठी कक्षा में बांट दिया गया है। दोनों टहनियों के बीच में दो शिक्षक कुर्सी और ब्लैक बोर्ड लेकर बैठ जाते हैं और बच्चे बोरी बिछाकर पढ़ाई करते हैं। हालांकि दोनों क्लास के बच्चों की आवाजें वहां मौजूद सभी बच्चों को सुनाई देती है। चौथी क्लास के बच्चों का कहना है कि यहाँ पढ़ने में बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। कभी कभी ध्यान भटकने की सूरत में छठी क्लास का प्रश्न लिखकर हम चले जाते हैं और उसका हल घर पर नहीं कर पाते हैं। यही हाल छठी क्लास के बच्चों का भी होता है, परंतु मजबूरी है। यह समस्या सालों से बच्चे झेल रहे हैं। कभी तीसरी तो कभी सातवीं आठवीं और हाई स्कूल के बच्चों को भी पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए बैठना पड़ता है। हम एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़े नहीं सर, चौथा क्लास में हम भवन के कमरे में हम लोग नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं पाल पे। हम डीएम अंकल से मांगे जो हमें भवन दीजिए कि हम डेस्क पे बैठ के पढ़ रहे हैं। हम लोग का क्लास नहीं है, पाल पे बैठ के पढ़ रहे हैं सर, पाल को बैठा के पढ़ा रहे हैं। क्लास में बारिश आ रही है, हम लोग को दिक्कत हो रही है। बता दें कि आलम यह है कि प्रतिदिन बदल बदल कर पेड़ के नीचे दो कक्षाएं चलती है और पेड़ की छाव में खुले आसमान के नीचे बच्चों का पढ़ना अब उनकी आदत बन गई है। 753 बच्चे हैं, 663 प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार शिक्षा विभाग की नजर इस विद्यालय पर कब तक पड़ती है और कब तक बच्चों को सभी सुविधाएं मुहैया हो पाती है। दर्श न्यूज के लिए बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।